सैलाब आया, ये स्कूल मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमारे घर भी गए, स्कूल भी गए। किस तरह ये बच्चे बच्चियाँ तालीम पिराएंगी, यहाँ आएंगी, क्या करेंगी? 2-3 माह तो हम दादू में थे, इधर से उधर, बच्चे भी, हम भी इधर से उधर, उधर से इधर। अभी तक आप यकीन करें, अभी तक जब बारिश होती है ना तो मैं कांप जाती हूँ। मैंने यहाँ पेड़ के नीचे या धूप में बैठ के सोच रही थी कि बच्चों को किस तरह पढ़ाऊँ। जब हम लोग खेमों से वापस आए तो मैंने देखा कि हमारा घर, हमारा स्कूल सब कुछ तबाह हो गया। मैं परेशान हो गई, अब मैं कहाँ पढ़ूंगी। हमारे गांव में सैलाब आया था और हमारा स्कूल तबाह हो गया। मुझे पढ़ना है। तैली मेरा भी तो हक है। मुझे स्कूल चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है। ISO और LRF, उसकी जानिब से एक टीम आई। मैं समझ रही थी कि रोशनी की कोई दस्तक है जो मुझ तक पहुंची आज। सिर्फ फकत ये नहीं कि स्कूल मिला है हमें, ये स्कूल है, वॉशरूम, हैंडपम्प, ये मोटर, ये सोलर, ये सब कुछ, सर हमें बहुत कुछ मिला है स्कूल में। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्चियाँ भी खुश हैं। ओवरऑल जो आइडिया था वो ये था कि बेसिकली जो बच्चों के ऑलरेडी फ्लड से इफेक्ट होने की वजह से जो एक लर्निंग गैप आ चुका है और लर्निंग लॉसेस हो चुके हैं, उस गैप को फिल किया जाए और बच्चे एक इस तरह का क्लासरूम का लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ के बच्चे प्रोडक्टिवली उस लर्निंग गैप को ओवरकम कर सकें और अपने लर्निंग लॉसेज को अटेन कर सकें। VSO ने जो एक मॉडल क्रिएट किया जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि इसको अपस्केल किया जा सके और इसको रेप्लिकेट किया जा सके, इसलिए मैं इसको बहुत पोटेंशियल मॉडल देखती हूँ कि हमने कोशिश ये की है कि हम इसके अंदर क्लाइमेट रेजिलियंस के जो एलिमेंट हैं उसको भी मद्देनज़र रखा जाए, जो ख़ासतौर पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर ज़ीरो हो, फर्दर जो हमारे डिज़ास्टर आए उसके अंदर इसकी रेजिस्टेंस जो है इन मॉडल्स की वो अच्छी हो, और इसके अलावा ये लो कॉस्ट मॉडल भी हैं। VSO और LRF की तरफ से हमारी ट्रेनिंग हुई 2 दिन की। हमने ये सीखा कि भाई बच्चों को एक कमरे में हम बच्चों को किस तरह 5 क्लास को किस तरह पढ़ा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में, बच्चों की सेफ गार्ड के बारे में, बच्चों के ज़हनी नशोनुमा के बारे में, उनके हकूक क्या हैं। जो VSO ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि ये जो है वो सिर्फ स्कूल के तहत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ये भी बताया गया है हमें और हमारी कम्युनिटी को कि अगर खुदा न खास्ता आपके गांव में कोई भी ऐसा मसला हो सकता है तो आप इसको एक प्रोटेक्शन सेंटर के तहत भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे बच्चियों को या बच्चों को जो है वो हम लोग बिठा सकते हैं। मेरे गांव के लोगों ने देखा कि भी एक लड़की भी जब वो टीचर बन सकती है तो हमारी बेटियां क्यों ना पढ़े। उसके बाद पढ़ाई का शौर बढ़ता गया। मेरी तो ख्वाहिश ही यही है मेरी बच्चियां पढ़ लेकर किसी ओहदे मकाम पर पहुंचे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आए कम से कम 10 जमाते तो पढ़े। माशाल्लाह से मेरे पास अब 35 बच्चे हैं, मेरी बच्चियां पढ़ रही हैं यहाँ पे बहुत सुकून से। रोज उसके वालदैन है ना, वो खुद ही छोड़ के जाते हैं। VSO और LRF का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बार बार कहूँगी, उनका अजर तो अल्लाह देगा, हम दुआ कर सकते हैं।
मेरी यही अपील है बेसिकली इस वक्त डोनर कम्युनिटी के साथ भी, और इसके अलावा जो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि ऑलरेडी लोग जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फील्ड में, जो कि ऑलरेडी यू नो उनका पर्पस भी ओवरऑल यही है कि एजुकेशन की कंटिन्यूएशन को इंश्योर किया जाए, तो वो इस मॉडल को देखें और इससे ज़रूर लर्न करें, और अगर इसको पिक कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसको पिक करके इसको अपस्केल करें, बिकॉज वी नीड दीज काइंड ऑफ क्विक फिक्सेस जहाँ पे कि हम जिनको कि हम फौरी तौर पे पिक करें, उनको रेप्लिकेट करें और उसको उसको स्केल पे ले जाकर हम इस एजुकेशन की एमरजेंसी को टैकल कर सकें।